चाहते हैं वेट घटाना, या आप चाहते हो कि वेट बढ़े ना, या आप चाहते हो कि आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आप तो जानते ही होंगे कि वजन घटाने के लिए या सेहत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका खाना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आयुर्वेदा के अनुसार खाना किस तरह खाना चाहिए और खाना खाने की कुछ ऐसी टिप्स जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा रहेंगे स्वस्थ, सेहतमंद और वजन घटा पाएंगे जल्दी से। तो आयुर्वेदा के अनुसार सबसे जरूरी चीज जो आपको ख्याल में रखनी चाहिए वो ये है कि खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगे। अपने शरीर की बात सुनिए, जब आपको भूख लगे तो जरूर खाना खाइए, और जब आपका पेट भरा हुआ हो तो जबरदस्ती, क्योंकि सामने कुछ अच्छा दिख गया, आइसक्रीम दिख गई या पानी पूरी दिख गई तो पेट भरा हुआ है फिर भी हमने खा लिया, ऐसा ना करें। फिर ध्यान में रखिए कि आपने जो पहले खाना खाया हुआ हो वो अच्छी तरह से पेट में पच जाए, आपको हल्का महसूस होने लगे, तभी अपनी दूसरी मील खाइए। तो टिप नंबर 2 ये है कि खाना खा लेने के बाद आप जाके कहीं बैठ ना जाइए या लेट मत जाइए, उसकी जगह आप थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा हिलिए डुलिए। आपकी डाइजेशन को ये मदद करता है, आपका खाना पचने में आसान हो जाता है। और अगर खाना खाने के बाद आपको बैठना ही पड़े तो वज्रासन में बैठने की कोशिश करिए थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे, जो है बहुत ही जरूरी टिप। वो टिप ये है कि आप खाना खाने से एकदम पहले और खाना खाने के एकदम बाद खूब सारा पानी मत पीजिए। ये इसलिए क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पेट में पचाने की शक्ति होती है, उसे अग्नि कहा जाता है। अगर आप अग्नि के ऊपर पानी डाल देंगे तो ये शक्ति कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम कर पाए और आपका खाना जल्दी से और अच्छी तरह से पच जाए, तो ज़रूरी है कि आप अपनी अग्नि के ऊपर पानी ना डालिए। इसीलिए खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और खाना खाने के बीच में भी बहुत सारा पानी मत पीजिए। छोटी छोटी सिप्स पानी की आप पी सकते हैं खाना खाने के समय। कोशिश यही कीजिए कि गर्म पानी की सिप्स आप लें। एक्चुअली आयुर्वेदा तो ये भी कहती है कि खाना खाने के एकदम बाद आपको नहाना भी नहीं चाहिए, थोड़ा समय रुक के नहाना चाहिए। अब हमारी अगली टिप, ये आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी होगी, किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी कि धीरे खाओ बेटा, धीरे से खाओ। तो ये इसलिए क्योंकि जब आप अपने खाने को अच्छी तरह से बाइट करते हैं, चबाते हैं, तो जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उनको ज़्यादा जगह मिल जाती है आपके खाने पे काम करने के लिए, और इसलिए ये ज़्यादा जल्दी पच जाता है और आपका वजन भी नहीं बढ़ता है। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे खाते हैं, अच्छे से चबा के खाते हैं, और ज़्यादातर वो लोग काफ़ी सेहतमंद होते हैं। हम लोग भूख लगी, खाना दिखा, ऐसा मत करिए। अब आयुर्वेदा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आयुर्वेदा में इसे बहुत ज़्यादा माना जाता है, वो है कि आप विरुद्ध आहार ना खाइए। जो ऑपोजिट तरह की चीज़ें होती हैं उन्हें साथ में ना खाइए। अगर इन्हें साथ में खाया जाए तो हमारे शरीर को बहुत मुश्किल होती है डाइजेस्ट करने में और उसे पचाने में। तो ये विरुद्ध आहार क्या है, इस पे तो एकदम अलग पूरा सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, पर कुछ चीज़ें जैसे ठंडी चीज़ें और गर्म चीज़ें एक साथ ना खाइए। जैसे आप एक चम्मच से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं और दूसरे हाथ में आपके गरम गरम कप कॉफ़ी की है, तो गरम चीज़ें, ठंडी चीज़ें ना खाइए। और दूध के बारे में, दूध माना जाता है कि अकेले ही एक पूरा कंप्लीट आहार है, और दूध के साथ फ्रूट्स नहीं मिक्स करने चाहिए, कोई भी एसिडिक चीज़, एसिड वाली चीज़ नहीं मिक्स करनी चाहिए। खासकर कि केला और दूध मिक्स करके आप मिल्कशेक बनाएं तो वो बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है आपके शरीर के लिए, और ये कॉम्बिनेशन तो आपको कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए। सेम चीज़ दूध और फिश के बारे में कही जाती है, मछली और फिश साथ में नहीं खानी चाहिए, साथ में नहीं पकानी चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल गलत है। विरुद्ध आहार खाने से इमीडिएटली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर आगे जाके धीरे धीरे बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसीलिए जितना हो सके विरुद्ध आहार साथ में ना खाइए और इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कि खाना कितना खाना चाहिए।
कहा जाता है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जितना आपके इन दो हाथों में आप समेट सके, क्वांटिटी करीब इतनी होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाएंगे तो जैसे वॉशिंग मशीन होती है उसमें आप खूब सारे कपड़े ठूस दें तो वो बेचारी थोड़ी देर काम करती है, फिर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद घर 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 करके बंद पड़ जाती है। उसी तरह अगर अपने पेट को हम ओवरलोड करेंगे और उसमें खूब सारा ठूस देंगे तो शरीर को बहुत ही मुश्किल होती है, वो मशीन के जैसे रर 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 कर करके फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देने लगता है। इसीलिए खाना तब खाएं जब आपको भूख लगी हो, जब पिछला खाना अच्छी तरह से पच गया हो, आपको लाइट महसूस होने लगे, और क्वांटिटी पे आप कितना खा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। आयुर्वेदा कहता है कि हमें जितना हो सके गर्म खाना खाना चाहिए, और एकदम ठंडा खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा भारी हो जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखेंगे तो हम फ्रीज़र में वो चीज़ें डालते हैं जो हम चाहते हैं कि फ्रेश रहें, वैसे ही रहें, और अगर आप देखेंगे किसी चीज़ को आपने गर्म आग में डाला तो वो कैसे अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, वैसे ही जब हम गर्म चीज़ अपने शरीर में डालते हैं तो शरीर उसे बहुत ही आसानी से उसको पचा सकता है, उसका फॉर्म बदल सकता है और हमारी बॉडी को अच्छी तरह से पोषण मिल जाता है। जब हम ठंडी चीज़ें डालते हैं तो हमारे शरीर को जैसे फ्रीज़र में डाल रहे हों, हमारे शरीर को बहुत मुश्किल होती है कि उसका फॉर्म चेंज करें, उसको पचाएँ, उस पर काम करें। तो जितना हो सके उतना गर्म चीज़ खाइए। और आखिर में आयुर्वेदा ये भी कहता है कि आपके खाने में कुछ गीलापन होना चाहिए, और ये गीलापन आना चाहिए घी या थोड़े से अच्छे तेल से। तो घी होना चाहिए एकदम प्योर देसी गाय का घी, और अगर आप तेल डाल रहे हो तो तेल भी देखिए कि रिफाइंड तेल ना हो, कच्चा तेल हो, और ये आपको काफ़ी लाभ देगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आयुर्वेदा के अनुसार खाना खाने की टिप्स पसंद आए। इसमें से कुछ आप शायद पहले से ही जानते होंगे, कुछ शायद नई होंगी। अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ सेहतमंद रह पाएंगे। और इन खाने की टिप्स के साथ साथ अगर आप रोज़ थोड़ी कसरत करेंगे तो आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ गया हो तो घटाने में ये ज़रूर मदद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में।